Mullets Valley, a home of education. Playgroup to class 8, call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class Age. सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी। मैं हाजी औकात अंसारी पार्षद, आज किस तरह की ये नमाज थी और इसका महत्व क्या है? ये आज एक अलग तरीके से सालाना ये पारंपरिक अगहनी जुमे की नमाज यहाँ पुराना पुल पुलकोना ईदगाह में अदा की गई। ये लगभग 1600 ईस्वी से ये परंपरा चली आ रही है, लगभग 500 साल पुरानी ये परंपरा है। जब मुल्क में उस वक्त अकाल पड़े थे, बारिश नहीं हो रही थी, हमारे किसान भाई को फसल नहीं हो रहे थे और जो हमारे बुनकर भाई हैं उनके कारोबार बद से बदतर हो गए थे, तो उस वक्त के जो सरदार महतो सारे थे हमारे, उन लोगों ने एक पहल की कि हम सारे बुनकर बिरादर जितने लोग हैं अपने अपने कारोबार बंद करके मुल्क में तरक्की, मुल्क की कारोबार में बरकत के लिए, अमन अमान के लिए और भाईचारगी के लिए दुआ खानी इकट्ठा होकर करेंगे ईदगाह में। तब से ये परंपरा लगभग 500 साल पुरानी ये परंपरा चली आ रही है और इस परंपरा को यहाँ की जो तंजीमें हैं बनारस की बुनकर बिरादर तंजीम बाईसी, उन्हीं की क़यादत में ये हर साल पुराने पुल ईदगाह में ये मनाई जाती, पढ़ाई जाती है, अदा की जाती है। नमाज मौलाना नूरुल हसन साहब ने अदा की और ये सब इस नमाज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे जो सरदार महतो होते हैं उनकी अपील पे सारे बुनकर भाई अपनी मुर्री बंद करके, मुर्री बंद की अपील होती है, अपना मुर्री मतलब कि कारोबार बंद करके यहाँ पे दुआ खाने के लिए और नमाज इकट्ठा कर होकर अदा करते हैं, जिसमें मुल्क की अपने अपने तरीके से लोग मुल्क की तरक्की के लिए, आपसी भाईचारगी के लिए, कारोबार में बरकत के लिए दुआ करते हैं। वही बनारस की सबसे बड़ी तंजीम जो बुनकर बिरादराना तंजीम बावनी के सदर हाजी मुख्तार महतो साहब और बुनकर बिरादर तंजीम 3400 के सरदार महतो और 12 के तंजीम के सरदार हाजी यासिन साहब, सारे तंजीम यहाँ इकट्ठा होके और अब हर यहाँ, वो यही नहीं बनारस ही नहीं, पूरे पूर्वांचल से सारे बुनकर यहाँ पे इकट्ठा होके नमाज, यहाँ देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए नमाज में। इस नमाज की एक खासियत है कि ये नमाज सिर्फ और सिर्फ बनारस में ही अदा की जाती है और अगहन के महीना में, अगहन जो हमारे हिंदू भाई अगहन के महीने में अपने धार्मिक स्तर से काम करते हैं, तो हम ही हमारे जो तंजीमें हैं उसी अगहन महीने में इस अगहनी जुमे को नमाज अदा करते हैं और बड़ी मिल्लत के साथ। और हमारे हिंदू भाई गन्ने की दुकान खोले हैं तो हमारे मुस्लिम जब नमाज अदा करके जाते हैं तो वो खरीदते हुए घर जाते हैं ताकि जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है वो हिंदुस्तान से सबसे पहले बनारस में कायम होती है और पूरी दुनिया पैगाम जाती है।